अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े हुए हैं। कुछ देर मैं गरीब नवाज का जिक्र कर रहा हूं और पहले सुन लो बाबा, मैं हूं खान का ही आदमी। मेरे बाप दादाओं का इतिहास भारत में हिजरी सन 710 से है। आज मुकम्मल 734 साल से मेरा रिकॉर्ड है कि मैं खानकाह ही हूं। और खानकाहों का सबसे पहला सबक ये होता है कि जिसकी खाओ उसी की। अरे वाह 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 वाह, मतलब ये कि मेरी भाषा समझ रहे हो तुम? माना मैं तो समझ रहा था कि कोई मराठी को बीच में नहीं फंसाना पड़ेगी कि यखनान पुख्ता बुदम कुतरान घेऊन गेला। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और बालापुर का भी बच्चा बच्चा जानता होगा कि या गरीब नवाज तेरे मेरे गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत, तुम्हारे दर की करामत ये बार बार देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये हर बार देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बार बार देखी कि गरीब आए हैं और बन गए गरीब नवाज, गरीब आए हैं और बन गए गरीब नवाज। अरे जरा तसव्वुर में सोचो कि नियाज और नाज का कितना हसीन मंजर है। तसव्वुर करो, तसव्वुर कि नियाज और नाज का, नियाज और नाज का यानी के मोटी मोटी भाषा में समझा दूं कि लेने वाले का और हाँ बस ऐसे ही बेटा जियो, और मैं कुछ बोलूं कुछ तुम बोलो घंटा भर गुजर जाएगा, 10 बच जाएंगे, है ना? क्योंकि मार ठोक कर तो किसी को कलमा आज के जमाने में तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, नियाज और नाज का कितना हसीन मंजर है। नियाज और नाज से मतलब एक और दूसरा, नियाज और नाज का, नियाज और नाज का उलमा की तवज्जो चाहूंगा खासतौर से, नियाज और नाज का, नियाज और नाज का कितना हसीन मंजर है कि इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज। और इलाही इलाही तमन्ना है अल्लाह से, इलाही इलाही मैं, इलाही मैं इलाही मैं पुल सिराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं। पुल सिराज समझते हो ना, बाल से ज्यादा और तलवार से ज्यादा वो पुल कहां होगा? दोजक की ऊपर, नीचे दोजक की आग भड़केगी, ऊपर पुल होगा, पुल ऐसा कि जो तलवार से ज्यादा और बाल से ज्यादा हरेक को गुजरना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा हो या कंडम से, सबको उस पुल से गुजरना पड़ेगा। अब मैं मेरी बताऊं बाबा, दूसरों से मुझे क्या लेना देना, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपने बलबूते पर गुजर जाऊं, इसलिए मेरी आरजू है कि इलाही मैं पुल सिराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं। इलाही मैं रफीक आलम हुसैनी, इलाही मैं पुल सिराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं कि इधर हो गौस पिया और इधर गरीब नवाज। ये हमारे तमाम नौजवान आलिम, मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों ने एक बार नहीं हजारों बार सुना होगा कि अल्लाह फरमाता है कौन। देखो यार, मैं गूंगों के बीच में बोलता ही नहीं, और तुम लोग अगर चुप रहोगे ना तो मुझे थोड़ा डाउट होगा। एक मरतबा क्या हुआ कि मैं दिल्ली तो नजर लाखों मरतबा गया हूँ, एक मरतबा की बात बता रहा हूँ, ये करीब 40 साल पुरानी बात, 1982 की बात, मैं दिल्ली गया तो वहां हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, खानदान नक्शबंदिया के बड़े बुजुर्ग हैं, सैलानी बाबा उनके मुरीद के 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 मुरीद हैं। बोलो तो शजरा बता दूं,
हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, उनके मुरीद हजरत मौलाना नईमुल्ला, उनके मुरीद मौलाना मुरादुल्ला, उनके मुरीद हजरत मौलाना अबुल हसन, उनके मुरीद नियाज अली पीरे जद्दी पेशवा, उनके मुरीद हजरत सूफी वजीर मोहम्मद, उनके मुरीद हजरत हाजी अब्दुल्ला, उनके मुरीद खैरुद्दीन मुजर्रद, उनके मुरीद सैलानी बाबा। तो मैं हजरत मिर्जा मजहर जाना जाना की दरगाह पर दिल्ली चितली कब्र में उनकी मजार फातिहा पढ़ रहा था, तो अमरनाथ के दो तीन साधु आए थे। वो दरगाह के बाहर बैठकर बात करने के सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। मैं अपनी फातिहा वगैरह पढ़कर वो तीनों साधु बाबाओं के पास बैठ गया और मैंने कहा, बाबा तुम लोग बहुत देर से बोलने के सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हो, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, चूंकि मैं स्पीकर हूँ, ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, पंजाब टू नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, भारत के अलावा दुनिया के 32 मुल्कों में स्पीच के लिए आना जाना पड़ता है, तो मुझे इतना बता दो कि बोलता कौन है और कौन नहीं बोलता। तो उसमें जो 85 साल का सीनियर बाबा था, उसने कहा, बेटा दो लोग नहीं बोलते, बाकी सब बोलते हैं। मैंने कहा, बाबा जी वो दो कौन कौन नहीं बोलते, जरा उनका एड्रेस बतला दो। तो वो जो सीनियर बाबा थे, उन्होंने कहा कि बेटा एक तो वो नहीं बोलता जिसको घर में झांसी की रानी ने भत्ता नहीं दिया हो, पेट पे है ही नहीं कुछ, तो बोलेगा कहां से। भला है कि तू का महना मुका रहा है, आणी जे विल ते ते पाए, पेट में कुछ है ही नहीं तो बोलेगा कहां से। तो वो बाबा जी बोले कि बेटा एक तो वो नहीं बोलता जिसको घर में झांसी की रानी ने भत्ता नहीं दिया हो। मैंने कहा, बाबा क्या काम की बात कही यार, नोट किया। मैंने कहा, जल्दी बोलो दूसरा कौन सा नहीं बोलता। तो बोले, बेटा दूसरा वो नहीं बोलता जिसने यहां तक ठूस लिया हो, सांस लेना हराम है तो बोलेगा कहां से। बालापुर वालों, सरकार शरफुद्दीन के अहाता नूर में बैठे हो, अगर तुम चुप रहे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मिला नहीं या यहां तक है। वैसे मुझे मालूम है कि बालापुर वाले सिर्फ शनिचर के दिन ही यहां तक, बाकी तो फिर सब लिमिट में रहता है। मेरे गरीब नवाज, नियाज और नाज का कितना हसीन मंजर है कि इधर गरीब खड़े हैं, इधर गरीब नवाज, नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या। इन हमारे जिम्मेदार आलिमों से सुना होगा कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने वली की आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, जिससे वो। तो गरीब नवाज की आंख में पावर किसका, तुम बोलो रे, सच्ची बोलो, गरीब नवाज की आंखों में पावर, गरीब नवाज पूरे भारत को दे रहे हैं तो उनके हाथ में देने का पावर। गरीब नवाज, नजर हो जिस पे तेरी, जिस पर नजर हो जिस पे तेरी उसका पूछना ही क्या। तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज, तेरी नजर है खुदा की नजर गरीब नवाज। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला या हबीब अली के सलातो सलाम। गरीब नवाज के सिर्फ दो वाक्य बयान करूंगा, 10 बज जाएंगी, मगर एक बात बताओ, जो लोग गरीब नवाज के सच्चे मानने वाले हैं उसने ही यहाँ आकर बैठना, बाकी सब दूर दूर बैठो। गरीब नवाज का मानने वाला कौन है, वही यहाँ आए मेरे पास। है कोई गरीब नवाज का मानने वाला, फकत तीन लोग हैं, बाकी कोई भी नहीं, सब डुप्लीकेट पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, शांत ताठेवा बाप्पा, शांत ताठेवा। हाँ हाँ, इमाम साहब की उम्र के लोग अगर होंगे या 70-80 साल के, तो आपसे 50 साल पहले इससे लिए हर आदमी को, समझ गए ना, इसके लिए हर आदमी को गांव के, हमारा जाफर पहलवान को भी मैंने दो चार बार जाते ही देखा। तो दो तीन आदमी आए वो लेकर, और देखने के बाद जब उन्होंने गरीब नवाज को देखा तो वो करना तो भूल गए, ये करना गरीब नवाज को देखते रहे। और गरीब नवाज को हैरत से इसलिए देख रहे थे मौलाना साहेबान, कि उस वक्त मैं भारत का इतिहास बता रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने हिस्ट्री में पीएचडी करके डॉक्टरेट की है, आई एम खड़ा रिसर्च,
मैं हिस्ट्री में एमए हूँ और हिस्ट्री में मैंने पीएचडी की पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जिस वक्त गरीब नवाज यहाँ है ना, उस टाइम भारतवासियों का यूनिफॉर्म क्या था? ये चार वोट की चीज आगे से पीछे तक गांधी बस यही बात। और आज भी आदिवासियों को देखो, बस चार वोट की चिंदी अगवाड़े से पिछवाड़े तक वही उनका यूनिफॉर्म। बल्कि जगदलपुर के वगैरह के इलाके में तो आज भी जाएंगे तो हमारी माँ बहनों का वही लिबास और एक इतनी बड़ी चिंदी यहाँ बनी है आज भी। मैं ऑल ओवर इंडिया आता जाता हूँ, सारे हालात को देखता हूँ। तो वो लोगों को गरीब नवाज को देखकर ताज्जुब इसलिए हो रहा था कि भाई हमारे पास तो बस ये चार वोट की चिंदी है और ये बाबा अकेला सात हाथ की लुंगी, पांच हाथ की अचकन, सात हाथ का कुर्ता, कुर्ते पर जॉकेट, जॉकेट पर दस हाथ का जुब्बा, सर पर ग्यारह हाथ का अमामा, फिर सात हाथ का अमामा। तो वो तीनों जो आए थे ना, वो बोलते यार ये बाबा के बदन में अकेले पर इतना कपड़ा है कि ये बाबा अगर अपने कपड़े उतार कर दे दे तो अपने पूरे गांव के लोगों की एक एक यूनिफॉर्म बन जाए, एक एक ड्रेस सच की बन जाए बाबा के अकेले के ऊपर इतना। और फिर वो लोग क्या, गरीब नवाज को देखकर ये तो भूल गए, वो फेंक फेंक के गांव में गए, अरे चलो रे बाबा आए, चलो रे कोई बाबा आया, चलो रे बस। सारा गांव जैसलमेर जमा हो गया। गरीब नवाज तो बस उसी को देख रहे हैं। किसको? 70 फीट टैंक कंपनी को। गरीब नवाज तो उसी को देख रहे, सारा गांव जमा हो गया और सब फुसफुस कर रहे हैं किस बात पर? गरीब नवाज के। अचानक गरीब नवाज के कानों तक आवाज आई। गरीब नवाज ने जो देखा, क्या देखा कि पूरा का पूरा गांव, क्या लेडीज का जेंट्स सब के सब खड़े रहे। गरीब नवाज ने फरमाया कि ये क्या है? इनसे पूछा जैसलमेर के गांव वालों से कि ये क्या है? तो सब के सब बोले बाबा ये हमारा ये है। समझ गए ना? बाबा ये हमारा ये है। अच्छा ये तुम्हारा ये है? अच्छा ये किस काम में आता है? का बाबा ये हमारा संकट मोचन है। कभी बारिश नहीं होती तो हम यहाँ आते हैं, ये जो लटक रहा है ना, और एक गोल गोल बारिश आ जाती है। और कभी कभी खेत में फसल ठीक नहीं होती तो आते हैं, और एकाना फोड़ा ये फसल भी आ जाती है। कभी गांव भर में बीमारी फैल जाए तो इसके पास आते हैं। अच्छा इसके बदले तुम इसको क्या देते हो? का बाबा बस इसको हिला देते हैं कभी कभी, और कभी कभी बालापुर के इज्जतदार मुसलमानों, मुझ रफीक आलम हुसैनी की एक एक बात एक एक लफ्ज पर गौर करना। तुम्हारे गरीब नवाज, बीच वालों के गरीब नवाज और मेरे गरीब नवाज ने जिनको बैठने की तौफीक में भी खड़े हैं बेचारे, उनके भी गरीब नवाज है। साथ में चबूतरे पर बैठने वाले उनके भी गरीब नवाज है। हमारे स्टेट वालों के भी गरीब नवाज है। अच्छा एक बात बताओ, कौन गरीब नवाज वाला है वो हाथों को उठाए, और जिसके नहीं है उसके हाथ उठाई मत बेटा। गरीब नवाज सब देख रहे हैं, गरीब नवाज सबको देख रहे हैं। हाँ माशाल्लाह सबके। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि तुम जो इसके साथ करते हो, यानी ये करना ये करना ये करना, तो तुम्हारे इन कामों से ये खुश है? समझ रहे हो ना मेरी बात? गरीब नवाज ने पूछा कि तुम जो इसके साथ करते हो, ये करना ये करना और ये करना, तो ये तुम्हारे कामों से राजी है क्या? तो सीनियर बुड्ढे बोले बाबा और हमें क्या मालूम कि ये हमारे कामों से राजी है कि नहीं है। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि तुमने कभी पूछा नहीं कि ये तुम्हारे काम से राजी है कि नहीं है? तो उसमें जो सीनियर बुड्ढे से पूछा, बोले बाबा जी ये तो पत्थर है पत्थर, अब इससे हम क्या बात करें और ये हमको हमारी बात का क्या जवाब देगा? ये बात तो कर सकता नहीं, पत्थर है। कुर्बान जाओ रे बालापुरियों, मेरे तुम्हारे गरीब नवाज ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो, मौलाना साहेब आप तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज ने फरमाया कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इससे पूछूं कि तुम्हारे काम से राजी है कि नहीं है, तुम इजाजत दो तो मैं इससे पूछूं। तो उसमें जो सीनियर बुड्ढा था ना गांव का,
बोले बाबा हमने तो इसको कभी बात करते देखा नहीं, अब तुम्हारा और इसका कोई अंडरग्राउंड कांटेक्ट हो तो तुम बात कर लो, हम तो जानते नहीं, तुम्हारा कोई कांटेक्ट हो इसके अंडरग्राउंड तो बात कर लो। बालापुर वालों अल्लाह की कसम, जब इस रिवायत को मैंने सीरतुस सालिहीन में पढ़ा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं हुसैनी अपने दिल की बात बता रहा हूं कि मैं तड़प गया। थे वो खैर, मगर क्या मुंह से निकला, बाबा तुम्हारा और उसका अंडरग्राउंड कोई कांटेक्ट हो तो तुम बात कर लो। इतनी बड़ी बात की अल्लाह की कसम, जिसका कांटेक्ट अल्लाह से हो जाए सारी कायनात का कांटेक्ट उससे हो जाता है, जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए हर जानदार हर बेजान का रिश्ता उससे मजबूत हो जाता है। अगर न होता तो एक छोटे से कटोरे में आना सागर आता क्या? कौन नहीं जानता कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद इब्राहिम अस्फहानी से कहा कि भाई इसने तीन चार दिन हो गए पानी सब बंद कर दिया, आना सागर पर पहरे लगा दिए, एक काम कर ये मेरा छोटा सा लोटा ले जा और ये लोटे में ही पानी भर के लिया। अब वो मुरीद भी मेरे जैसा सीधा साधा होगा, गया कटोरा गरीब नवाज का लेकर पानी भरने के लिए, जैसे करीब गया तो वो जितने पहरेदार थे उन्होंने इतना मारा कि खून में बेचारा इब्राहिम अस्फहानी लहू लोहान हो गया, रोता खून में भरा वापस आया का सरकार पानी तो नहीं लाया, खून में तर बतर होकर आया हूं। तो मेरे गरीब नवाज ने, तुम्हारे गरीब नवाज ने, हम सब के गरीब नवाज ने फरमाया कि क्या हुआ क्या? का हुजूर पानी लेने के लिए जब करीब गया तो उन्होंने पानी नहीं लेने दिया और मुझे खूब मारा। अब गरीब नवाज के लफ्जों पर सुनो लोगों, गरीब नवाज ने फरमाया कि बेटा इब्राहिम तुझे तालाब अना सागर के करीब जाने की क्या जरूरत थी? तो वो मुस्कुरा दिया, जख्मों से चूर था, मुस्कुरा दिया, कहा माई बाप अगर तालाब के करीब नहीं जाता तो ये कटोरा भरता कैसे? उस वक्त गरीब नवाज ने फरमाया कि बेटा इब्राहिम मेरा कटोरा तेरे कटोरे के जैसा नहीं है, मेरा कटोरा तेरे कटोरे के जैसा नहीं है। फिर हुजूर क्या करूं? का फिर से जा और तालाब के करीब अना सागर के पास मत जाना, सिर्फ वहां तक जाना जहां से तुझे अना सागर नजर, बस वहां जहां से सीख जाए वहां तक जाना और कटोरा उसकी तरफ करके कह देना कि अना सागर तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। कहा मुरीद ने, काते ने आ अना सागर, कहा मुरीद ने, कहा मुरीद ने, काते ने आ अना सागर बुला रहे हैं तुझे, चल जरा गरीब नवाज। आपने हजारों बार सुना होगा कि 14 किलोमीटर लंबा चौड़ा अना सागर गरीब नवाज के, तो गरीब नवाज भी जानता था ना गरीब नवाज को, अना सागर पहचानता था ना। उन लोगों ने क्या कहा था कि तुम्हारा इसका कोई कांटेक्ट हो तो बात, कांटेक्ट था तभी तो एक आधार पर पूरा अना सागर कटोरे में आ गया। अरे बालापुर वालों मेरे से ज्यादा तो तुम जानते हो, मैं तो पढ़ा लिखा कोई हूं नहीं, बिला वजह इन लोगों ने मुझे मार ठोकर माइक पर खड़ा कर दिया। मेरे से ज्यादा तुम जानते हो कि जब मेरे गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे तो वो जो था ना, समझ गए, कोई बात माइक में नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह 14, 15, 16, 17 फरवरी कुतबे ज़माना हज़रत ख्वाजा कुतबे आलम हुसैनी चिश्ती अल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलालाबाद शरीफ मजलापुर ज़िला अकोला महाराष्ट्र, आपका उस मुबारक बड़ी शान और शौकत के साथ हो रहा है। 14 तारीख को परचम कुशाई, शाही गुस्ल और रात में उलमा की तकरीर और सुबह इमाम पाक जाफर सादिक अलैहिस सलाम की कुंडों की नियाज, पूरे भारत की सबसे बड़ी नियाज जलालाबाद शरीफ बारगाह कुतुब आलम में हो रही है। 15 तारीख को शाही संदल होगा और रात में ऑल इंडिया मुशायरा होगा। 16 तारीख को स्टेज के लेवल पर सेमा महफिल होगी।
17 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक कुल और फातहा होगी। और ये अजीमुशान प्रोग्राम ऐसा है कि बाहर से आने वाले जायरीन के लिए ठहरने का इंतजाम और लंगर का इंतजाम हमेशा चलता रहता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ अकीदतमंदों को हाजिर होकर फैजान हासिल करने की तौफीक खैर अता फरमाए। सलामुअलैकुम।